स्वागत है आप सभी लोगों का नए व्लॉग में। मैं हूं अभी उज़्बेकिस्तान के एक गांव में जो कि आता है बुखारा के अंदर। आई होप आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने होम टूर कराया था जिनके घर पर मैं रुका हुआ हूँ और साथ साथ लगाई थी तालाब में जी डुबकी। तो इस व्लॉग में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं निकला हूँ गाँव की सैर पर। मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ के घर कैसे दिखते हैं, यहाँ के रोड पैटर्न्स कैसे हैं, और हम जाएंगे फिशिंग करने के लिए अंकल जी के लड़के के साथ उनके फार्म लैंड पर। और वापस आते हुए हम बात करेंगे नाई से कि यहाँ पर भाई बाल कटिंग का क्या रेट है, और साथ साथ फिर एंड में लेकर जाएंगे आपको रेस्टोरेंट पे। तो इस व्लॉग में आप बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग ये रहने वाला है, स्टे ट्यून्ड। भाई मैं हूँ अभी गाँव में हूँ, तो आप गाँव का भी देख सकते हो कितना बढ़िया मेंटेनेंस है। मतलब ये इतना, ये जो पूरा देख रहे हो पेडिस्ट्रेन है ये, अब देखो पूरा वॉक करने के लिए जगह है और रोड का अलग स्पेस है, और ये बीच में अच्छी मतलब प्लॉटिंग वगैरह हो रखी। सारे घर एक ही लाइन से बने हुए हैं और प्लॉटिंग के हिसाब से बने हुए हैं। तो अभी अंकल जी के छोटे बेटे के साथ मैं जा रहा हूँ फिशिंग करने के लिए, और पीने ये पीने का पानी ले लिया साथ में 2 लीटर तक, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो जी चल रहे हैं यहाँ से। तो जी हमारी वॉक रहने वाली है यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच की वॉक है। तो जी चलते हैं फिशिंग करने। एक बार लास्ट टाइम फिशिंग मैंने कश्मीर में करी थी, और अब इतने साल बाद, शायद 2.5 या 3 साल बाद, अब मैं फिर से फिशिंग करने जा रहा हूँ। देखते हैं मछली हाथ लगती है लगती है। भाई बिना भाषा के, बिना किसी चीज़ के, फिर भी इतने ज़्यादा क्लोज आप आ जाएं किसी के, तो एक अलग ही चीज़ होती है यार। ओम फिशिंग। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? तो भाई से मैंने कहा कि मैं पे कर देता हूँ यहाँ पर, तो कह रहे नहीं नहीं रहने दो, मेरा खाता चलता है यहाँ पर। देख रहे हो भाई हॉस्पिटैलिटी। ये कुछ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये फर्नीचर लोहे वोहे का सामान लोगों ने अपने घरों के आगे रखा हुआ है। अभी पता नहीं किसी दुकान का है या कैसा है, समझ में नहीं आ रहा। ये मस्जिद है यहाँ पर, खुदा खुदा विवारो ओपेल, ये भी शेवरोले की है क्या? ब्रांडिंग तो नहीं है पीछे। ये आंटी जी अपना टुक टुक चला रही है यहाँ पर। ओ दिस वे, जितना पॉपुलर टुक टुक इंडिया में है उतना उज़्बेकिस्तान में तो नहीं है, फिर भी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर टुक टुक का। ये भी चाइनीज़ कंपनी का है। वैसे यार मैं एनर्जी ड्रिंक मतलब इतनी प्रेफर करता नहीं हूँ, पता नहीं शायद कितने साल बाद पी रहा हूँ एनर्जी ड्रिंक। वैसे यहाँ पर लोग काफ़ी पीते ही हैं अक्सर, अपने इंडिया में बहुत पीते हैं। भाई जिससे भी जिसको भी जानते हैं सबको बता रहे हैं मेरे बारे में कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। सभी को बता रहे हैं। यहाँ की गाय चलो चलते हैं यार, नहीं तो परेशान हो जाएगी। हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं।
मुश्किल से 300-300 मीटर और है। तो जी हम पहुंच गए हैं इनके फील्ड में, ये पॉन्ड, उधर इनकी गाय हैं दोनों और उधर उनका ऊंट है। कल रात को हम इसी जगह पर आए थे। हाँ, व्हाट इज दैट? वो क्या है, चूहा है क्या? पता नहीं क्या चीज लग रही है, वो पानी में तैर रहा है, तो शायद चूहा लग रहा है। चूहा कहाँ से तैरने लगा, लेकिन इसकी पूंछ है, पता नहीं जी क्या है। तो जी तैयारी हो गई है मछली पकड़ने की। आप मेरे हाथ में हथियार देख रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रोफेशनल है ये मछली पकड़ने का। तो मैं 3 साल या 3.5 साल बाद मैं फिर से फिशिंग कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कश्मीर में करी थी, मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में भी आपको ये चीज़ बताई थी। तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये करने के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मछली को पकड़ने के लिए हम जो बेट का इस्तेमाल करेंगे वो कोई पौधा भी हो सकता है। मैं तो कोई केचुआ या आलू वगैरह सोचा था जिससे हम मछली को पकड़ सकते हैं, लेकिन भाई ने लगाया है इसमें पेड़ का पत्ता। अब ये पता नहीं कौन से पेड़ का है पौधा लगाया है इन्होंने, लेकिन जो वो भाई भी सेट कर रहे हैं अपना औजार। ऑलमोस्ट शायद 25 मिनट इंतजार करने के बाद एक मछली हाथ लगी है। दा मछली पकड़ने की खुशी देखो। यू गॉट अ फिश। ओह वेरी बिग, वेरी बिग। वालेकुम अस्सलाम। छेले बच्चा सोजी। हां хорошо всё. What? Не, не хочу. Не хочу. По-русски знаешь? No. По-русски не знаешь? No. Иди сюда. Пообщаемся, да? Можно же пообщаемся. О, иди сюда. उससे पूछना है रशियन आती है क्या? हाँ नहीं आती यार रशियन में तो। बुदिम रिबाच। हाँ हाँ हाँ। पोयल। होचिश। लुबिश रिबिच। रिब लविड लुबिश। तो जी क्या मैं फामी तो जी क्यों मैं तो नहीं हो? हाँ। यो अल्लाह। ये भी भाई आ गए मछली पकड़ने के। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बिल आलमीन। अभी कुछ 7:15 बज रहे हैं और भाई ने 2 मछलियाँ पकड़ ली हैं। ये भाई तो आए हैं अपने 2 फिशिंग वाले औजार लेकर। यार क्योंकि मेरे अब एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो इनका प्लान है 8:30 बजे जाने का, तो अभी 1 घंटे और रुकेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब पैदल पैदल चले जाऊँ घर पर, लेकिन अपने भाई ने शाबोज़ ने इन भाई को बुलाया है, तो शायद ये मुझे रास्ता वास्ता दिखाएंगे। वैसे मैं भी जा सकता हूँ पैदल वैदल, लेकिन ये फिर भी कंसर्न कर रहे हैं इनके साथ भेजने के लिए। अभी बच्चा मेरे साथ जाएगा और मुझे रास्ता दिखाएगा। बच्चे का नाम है मिर्शोद। मिर्शोद कुछ घर यहाँ पर सीमेंटेड हैं जिस पर प्लास्टर लगा हुआ है, कुछ घर ऐसे हैं जिन पर मिट्टी के साथ भूसा लगा हुआ है, जो कि भूसा जब लगाया जाता है मिट्टी के साथ प्लास्टर को होल्ड करने के लिए, सीमेंटेड प्लास्टर नहीं, मिट्टी और भूस का प्लास्टर आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको खिवा के भी घरों में दिखाया था। ये देखो ये बहुत स्पीड में आ रहा है टुक टुक।
बढ़िया सिस्टम बना रखा है, ईटे ईटे दाग रखे हैं बीच में। तो स्टॉप 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 अगर यहाँ की साइकिलों की बात करें तो देखो इसमें ब्रेक नहीं है, आप देख के कहोगे ना कि इसमें ब्रेक नहीं है, बट ऐसा नहीं है सिस्टम। यहाँ की साइकिलों का ब्रेकिंग पैटर्न मैं आपको साइकिल चला के बताऊंगा। देखो साइकिल में स्मूथली चलाता हुआ ला रहा था, जैसे मैंने बैक पैडलिंग करी तो साइकिल रुक गई। अब मैं फिर से फ्रंट पैडलिंग कर रहा हूँ, साइकिल चल रही है और बैक पैडलिंग करते ही रुक गई। तो ब्रेक की जरूरत नहीं है, बस आप बैक पैडलिंग करो साइकिल में ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगे, है ना अमेजिंग। रोड पे पता नहीं टायर वायर क्यों गाड़ रखे हैं इधर, पहली बार ही देख रहा हूँ। ऑयल ऑयल डीजल पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, ये इनकी देख रहे हो, इनका वाला टुक टुक काफी ज्यादा भारी है और एकदम सुडोल है शायद, बनाया गया है शायद इसे। नहीं नहीं हाँ ये इसी के साथ ही है, देखो टायर वायर कितने स्ट्रॉन्ग है इसके, और ये पेट्रोल से चलता है। व्हाट इज दिस वाटर वादा पीट 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 दमास मिल्क मिल्क मिल्क, ये पता नहीं इसमें दूध ले जा रहे हैं क्या ले जा रहे हैं, शायद दूध ही है, दूध हॉर्स कैमल कैमल कैमल। अरे पानी है ये, अच्छा नाइस, ये नाई की दुकान है। हाउ आर यू? नो फाइन 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 हाँ खरोश हो। ये भाई कह रहे हैं कि तुम्हारी दाढ़ी बना दूंगा, अभी तो इनकी बना रहे हैं, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है क्या बाल दाढ़ी? हिंदुस्तान हाँ हिंदुस्तान तो भाई कह रहे हैं कि $5 यहाँ पर लगेंगे, $5 फॉर दिस, तो $5 लगाएंगे दाढ़ी बनाने के। $5 में तो नहीं बनवाऊंगा यार दाढ़ी में, वैसे दाढ़ी काफी बड़ी हो रही है बनवानी तो। अब ये बच्चे के पापा बच्चे को डांट रहे थे कि कहाँ घूम रहा है चल गाड़ी में, तो बच्चा कह रहा था कि मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो अब इनके पापा ये क्या बताऊं, मैं अभी घर में बस एंटर ही कर रहा था तो अब अंकल कह रहे हैं मेरे साथ चलो यार क्या यार, मैं तो सोचा था मोबाइल वोबाइल चार्ज करूंगा थोड़ा, अंकल कह रहे हैं चलो 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 दवाई 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 दवाई, वो कहते हैं चलो ये बाय। सीट को लगा देते हैं इनकी। यार इतना पैदल चल के आया, अब अंकल फिर से ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं अपने फील्ड में। अब अंकल जी कुछ घर से लेकर आए हैं, शायद वो अपने कैटल्स के लिए फीड है या बेटालो जो आवाज होती है बेतालो बेतालो इन भाई को लग रहा है कोई मछली नहीं मिली, मछली फिश फिश नो फिश 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 नो फिश नो नो फिश। भाई को 1.5 घंटे हो गए शायद ये मछली पकड़ते पकड़ते, कोई मछली नहीं मिली। इनकी गाड़ी कौन सी है? टीको DX डाइवुड। शाश्लिक का मतलब होता है बारबेक्यू, वो किसी भी चीज़ का बारबेक्यू हो सकता है, तो बस बाहर ये लिखा हुआ है। और ये शायद अंकल जी के दोस्त का ही रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है रेस्टोरेंट है। को यूर्थ दिखाए हैं 2-3 बार उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान
Yeah, in Kazakhstan also yurta. Ne? Itta Uzbekistan yurta. Uzbekistan yurta. Acha, ye jo hai. मैंने सबसे पहले यूर्ट कजाकिस्तान में देखे थे, इसलिए मैंने दो बार रिलेट करने के लिए बोला, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं ये उज़्बेकिस्तान के यूर्ट हैं। देखो बाकी शेप एंड साइज़ तो सेम ही है जैसे कजाकिस्तान के यूर्ट का है, बट मे बी शायद डिज़ाइन उज़ाइन का फ़र्क हो सकता है। अगर बात करें तो वैसे भी टूरिस्टिक यूर्ट है ये, कोई नोमैडिक लाइफ के लिए यूज़ नहीं करा जा रहा है यूर्ट, तो ऐसी रिक्रिएशन पार्टी के लिए। बेसिकली मैंने आपको बताया था यूर्ट जो बनते थे वो नोमैडिक लाइफ, फार्मर्स अपना बनाते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैंने कजाकिस्तान में वाइट कलर के देखे, यहाँ थोड़ा ग्रीनिश कलर के हैं। पहली बार मैं यूर्ट देख रहा हूँ, वो भी ग्रीन टी के साथ शायद ब्रेड। English ke oh hi how are you assalamu alaikum thanks what's your name my name is Arjan oh my name is love salad hai hai this ne mun kholne mein dekho bhai green tea bhi hai cold drink dono hai iron dahi dahi mosh ne iron raita kafi acha bana rakha hai isme tomato pyaaz wagaira hai new wala aur thoda pudina bhi hai shayad to main raite ke sath roti kha raha hu ये शायद क्रीम है, पता नहीं क्या है, कह रहे हैं सुल बोलते हैं इसे। चूज खा के देखते हैं कैसा ये चीज लग रहा है मुझे शायद। चक्का चीज़। ये जी आ रहे हैं कबाब, यहाँ पर तो शाशलिक बोलते हैं। शाशलिक है जोरा सुनता है कि कैसे साउंड ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दिखा दे लाइक दिस हे हां गुंगी योर दुत्ता मां खुर्दा दुत्ता होजी बो खुर Dutello. One fine. Nee, fine. 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 Dutta. 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 Too fine. Too fine. Thank you so much, Rakhmet. ये इन्हीं का है पूरा पूरा होटल, मतलब ये और इनके पापा चलाते हैं। तो ये इस जगह पर हम बैठे थे, देखो बैठ के आराम से खाओ, बढ़िया सिस्टम है। अब जाने का टाइम आ गया यहाँ से। अंकल जी की वाइफ और बेटी तो घर के बाहर ही सो रही हैं और अपनी भी तैयारी कर लेते हैं जी सोने की। और आप देखिए इनका गेट खुला हुआ है, तो कितनी ज़्यादा सेफ ये कंट्री है, गेट इनका खुला हुआ है और सभी लोग चैन से सो रहे हैं। भाई मैं तो अपना गेट बंद कर लेता हूँ। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।